16 अनिल प्रधान जी, प्रश्न संख्या 16। आपके माध्यम से सरकार से जवाब चाहेंगे, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहेंगे। और जो मैंने प्रश्न लगाया था कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या फला फला में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET क्वालिफाइंग एग्जाम कराया गया और दो वर्षों से लगातार उस एग्जाम को कराया जा रहा है, और पूरे सदन के और सभी सदस्य इस बात को जानते होंगे कि जो मैंने प्रश्न पूछा था कि दो साल में हमारे बहुत सारे बहन भाई परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं, तो मेरा एक तो सही सवाल था कि जो उसकी वैधता एक साल के लिए, क्या उसको बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी कि उसकी वैधता एक साल से पाँच साल कर दिया जाए। और मेरा दूसरा सवाल था कि जो बच्चे उसमें परीक्षा देने जाते हैं उनका सेंटर जैसे चित्रकूट का है तो वो परीक्षा देने जाएगा बनारस जाएगा, बनारस के बाद लखनऊ देने जाएगा, तो उस पर माननीय मंत्री जी का जवाब आया सरकार का कि वो कार्मिक विभाग के शासनादेश के तहत मंडल स्तर पर परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसकी जो अर्हता है एक साल से पाँच साल की जाएगी, और दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बात का नियम बनाएगी कि ऐसा कुछ नियम हो कि मंडल स्तर पर परीक्षा हो। साथ ही अभी सरकार से मैंने अभी पूछा था कि पिछले 2020-21 में टेट पास परीक्षार्थी बच्चों को कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, मंत्री जी का जवाब आया कि 4264 बच्चों को दिया गया। तो मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि कितने जो बच्चों को नौकरी मिली उसकी जानकारी पटल पर हो। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पेट की परीक्षा में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो गई, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेनों में और सड़कों के माध्यम से लोग परीक्षा सेंटर में गए बहुत सारी घटनाएं घटी। एक बांदा का लड़का था ओम प्रकाश मिश्रा उम्र 25, पुत्र अभिलाष मिश्रा निवासी बांदा, उसकी मृत्यु हो गई। क्या ऐसे लोग जो जिनकी उन घटनाओं में मृत्यु हुई उनको सरकार कुछ मुआवजा देगी? और मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जूनियर एडेड भर्ती विज्ञापन संख्या सहित लेखपाल भर्ती सप्लाई एक्टर भर्ती कब तक प्रारंभ कराएगी? और चूंकि माननीय नेता सदन ने आज इस बात को कराया कि जब कोरोना जैसी महामारी पड़ी थी उस पर आंगनबाड़ी आशा बहने जो कार्य करती हैं, शिक्षा मित्र हैं, जो पंचायत मित्र निदेशक हैं, क्या उनको मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी? और एक मैं आपके माध्यम से सरकार इस क्वेश्चन के अलावा मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ माननीय संस्कृति मंत्री जी से कि अपने चित्रकूट की मैं बात करना चाहता हूँ कि चित्रकूट आप, क्योंकि सरकार ने कहा था कि किसानों की आय हम दोगुनी करने का काम करेंगे, मैं आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री जी से निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे चित्रकूट में खाद की बहुत बड़ी किल्लत है। हमारे जिले में जो अस्पताल उन पर डॉक्टर दे दें, आप इन दोनों विषय पर भी सारे सदस्य वो प्रश्न अलग लीजिएगा। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो पूछा कि मंडल अपने मंडल में ही परीक्षा कराना चाहिए एक साल से पांच साल वाला, तो हमने जवाब दे दिया। ये अपने मंडल वाली बात पहले महिलाओं के लिए और विकलांगों के लिए की गई, लेकिन महिलाओं के मामले में काफ़ी कुछ गड़बड़ी सामने आई, तब ये हुआ कि साहब इसको ख़त्म कर दिया जाए, केवल विकलांगों के लिए रह गया। जो दिव्यांग हैं उनके लिए तो केवल यह है कि वो अपने जनपद पे दे सकते हैं, लेकिन बाकी लोग अपने मंडल से बाहरी परीक्षा देंगे। ये प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट एक व्यापक पूरी बात हो जाए तो अभी अभी नहीं। दूसरा आपने पूछा कि 4264 का कहाँ कहाँ इसका क्या मतलब, कितने लोग कहाँ कहाँ लगाए गए, तो मैं इसका ब्रेकअप दे दूँ। 115 लोग ये कनिष्ठ सहायक विशेष चयन परीक्षा 2017 महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश में 7121 पे लगाए गए। 100 हाँ जी, और बाकी तो इन्होंने जाने खाद के बारे में अस्पताल के बारे में पूछ लिया। खाद और नहीं, इसमें खाद अस्पताल कहाँ है इसमें? नहीं, बात शुरू हुआ था इसलिए। हाँ,
परंपरा ये है कि अगर 11:10 पे अगर शुरू हुआ तो भी 12 बजे तक चलेगा बाल्यवास, यही परंपरा है। बाल्यवास तो सुबह से आया